एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ में एक नए सेगमेंट को लॉन्च कर रहा हूं, दैट विल बी नोन एज साइबर अड्डा। साइबर अड्डे के अंतर्गत मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे देश में किस किस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो वेरियस प्रोविजंस हैं वह इन ऑनलाइन फ्रॉड से लड़ने में कितना सक्षम है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे किस किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं और इसके बचाव का तरीका क्या है। इन शॉर्ट, मैं तमाम तरह के होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में आपको बताऊंगा और उनसे बचने के संभावित तरीकों से भी परिचय कराऊंगा। जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ पर स्पेसिफिक रूप से इस सेगमेंट को बनाने का कारण पिछले साल मेरे साथ हुई फेसबुक पर एक घटना है जिसने मुझे इस सेगमेंट को बनाने के लिए प्रेरित किया। हुआ यूँ था कि अक्टूबर नवंबर का समय था, मैं किसी काम से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट गया हुआ था। तभी मुंबई से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि क्या मैंने फेसबुक पर कोई दूसरा आईडी बनाया है। मैंने इस बात से इनकार किया और जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि किसी ने मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल करके एक फेक आईडी बनाया हुआ है। कुछ देर के बाद तमाम अन्य फ्रेंड्स का फ़ोन आने लगा। उन्होंने बताया कि फेक आईडी बनाने वाला जो है वह 15,000 रुपये की डिमांड कर रहा है मेरे नाम पर। उस समय मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने पूरी इंक्वायरी की फेसबुक पर तो पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल करके एक फेक आईडी बना लिया है और तमाम मेरे परिचित लोगों से 15,000 रुपये मेरे नाम पर मांग रहा है। इसके बाद मैंने सोचा कि इसकी कंप्लेन जो है वह साइबर सेल से की जाए। मैं साइबर सेल गया और वहाँ पर जब मैंने इन चीज़ों को बताया तो साइबर सेल ने किसी भी तरह की सहायता करने से इनकार कर दिया और इसका कारण यह था कि दे वेयर नॉट वेल इक्विप्ड टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जब वहाँ से मुझे किसी तरह की सहायता प्राप्त नहीं हुई और मुझे लग गया कि FIR कराने से भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर सबसे पहले मैंने फेसबुक पर एक मैसेज डालकर अपने तमाम मित्रों को सावधान किया और उसके बाद इम्परसोनेशन के तहत मैंने फेसबुक पर एक कंप्लेन लॉन्च किया। कंप्लेन लॉन्च करने के कुछ देर के बाद ही मैंने देखा कि फेसबुक ने उस फेक अकाउंट को फेसबुक से हटा दिया था। तो इस प्रकार से मेरा वह ट्रिक काम कर गया। इस घटना के बाद से मैं ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में थोड़ा सा जागरूक हो गया और मैंने ऑनलाइन से होने वाले तमाम तरह के फ्रॉड की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, जिसमें तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स की जानकारी मुझे मिली, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर सोशल मीडिया पर होने वाले फेक आईडी या इम्परसोनेशन या थेफ्ट आइडेंटिटी के संबंध में मुझे ढेर सारी जानकारी मिली। और मैंने यह नोट किया कि ऑनलाइन से होने वाला फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है और यह एक दिन विकराल रूप भी ले सकता है। इसके बाद मैंने सोचा कि आखिर इस तरह के फ्रॉड्स लगातार बढ़ क्यों रहे हैं और इन पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा सका है। तो मैंने कुछ सर्च किया और पाया कि इन तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, वीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वह काफ़ी वीक है और इस कारण से साइबर क्राइम पे लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, जो साइबर सेल्स इस तरह के क्राइम्स को डील करने के लिए बनाए जाते हैं, वह साइबर सेल्स जो हैं वह किसी भी तरह से इस तरह के क्राइम्स को डील करने के लिए इक्विप्ड नहीं होते हैं और न ही अपडेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से यह साइबर सेल सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में छोड़कर बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है आप और हम। जी हाँ, क्या अनपढ़ और क्या पढ़े लिखे लोग सभी इस तरह के तमाम ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि न ही इस संबंध में हम जागरूक हो रहे हैं और न ही अपने आप को जागरूक होने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से संबंधित फ्रॉड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, बट एक मेंटेलिटी हमारी ऐसी हो गई है कि जब तक हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमें लगता है कि इस तरह के साइबर क्राइम्स हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं। और इसी मेंटेलिटी के कारण अधिकतर व्यक्ति फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। उन अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो एक फ़ोन कॉल आने पर न सिर्फ अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे देते हैं बल्कि पासवर्ड तक बता देते हैं।
यानी कि यह इस बात को दर्शाता है कि यह ऑनलाइन फ्रॉड कितने बड़े स्तर पर हो रहा है और ये फ्रॉड करने वाले सामने वाले को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देते हैं और एक आपकी भूल आपको इस फ्रॉड का शिकार बना देती है। तो अब यह समय आ गया है कि अब ऑनलाइन से होने वाले फ्रॉड के संबंध में हम जागरूक हो जाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी संबंध में मैंने साइबर अड्डा नाम के इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें न सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संबंध में बताऊंगा, बल्कि कितने तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं और उनसे बचाव का संभावित तरीका क्या है, इस बात की भी जानकारी साइबर अड्डा के तहत मैं आपको दिया करूंगा। और मेरी यह पूर्ण रूप से कोशिश रहेगी कि मैं आप तमाम लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में जागरूक कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।